अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम हज़रत बाबा काबिल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे मौजूद हैं। इनका सालाना औरस जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे आपको विज़िट करवाएंगे कि कैसी रौनक है, मरीदीन और नस्बत रखने वाले लोग कसरत के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं कि लाइटें जो हैं वो जल रही हैं और कितना लोग जो है वो खुशियों का इज़हार कर रहे हैं। कोरोना का सीज़न लेकर फिर भी लोग जो हैं अपना जो त्यौहार है उसको बड़ी खुशी के साथ मना। बाबा जी, यहाँ पे जो औरस का मौका है इसका असल जो है मकसद क्या है? बेटा, दीन की साथ इसका मकसद है, तो हम जो हैं वो इसीलिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ पे औरस पे आना हुआ, आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं तो सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो यहाँ पे कितने दिन स्टे करते हैं? तो अब जो है वो कैसा लोग महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोग। कोई दिल में ख्वाहिशात होंगी कि कोई आस ले के आए हों? हमारी दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको दिन रात और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि हम औरत की तकरीर में आए हैं, ऐसी तकरीर में आए बात करते हैं, तो यहाँ पे मेले में यहाँ पे मेले में जो चीज़ें हेलो कर ले रहे हैं। हेलो बच्चे, बेटा आप क्या ले रहे हैं? बेटा आप क्या ले रहे हैं? बेटा इधर सामने बात करो, बेटा इधर सामने बात करो, वीडियो बन रही है। बेटा क्या लेंगे आप? बेटा क्या लेंगे आप? करती है कि यहाँ पे जो है छोटी छोटी दुकानें बनाई होती हैं जिसमें बच्चों के खिलौने होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं मसालेदार, ये पापड़ और वो बाकी चीज़ें जो जिस तरह के वो हलवा पूड़ी होगी और इसके अलावा समोसे पकोड़े और फिर उसके अलावा जो ठंडी होते हैं शरबत मशरूबात।